नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के संयोग व गजब की घटनाएं हो जाती हैं जो परंपराओं का रूप ले लेती हैं। ये संयोग और घटनाएं तब और ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं जब परिवार के एक सदस्य या एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि तीसरी पीढ़ियों के साथ भी एक जैसी घटनाएं घट जाती हैं। इस प्रकार से आम जनता में घटनाओं को परंपरा के रूप में मान्यता मिल जाती है और लोग उदाहरण देने लगते हैं। ऐसी एक घटना चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी यानी चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई के साथ घटी है। भव्य बिश्नोई अभी 2024 का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव था, आदमपुर से चुनाव लड़े और उनके सामने एक पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार थे। चौधरी भव्य बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वे जो पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश थे उनके सामने चुनाव हार गई। दूसरी ओर भव्य बिश्नोई के दादा चौधरी भजनलाल की अगर बात करें तो चौधरी भजनलाल जी ने 1999 में करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी आईडी स्वामी। आईडी स्वामी से 1999 में चौधरी भजनलाल चुनाव हार गए थे और उस समय चौधरी भजनलाल ने कहा था कि आज मैं आईडी स्वामी यानी पूर्व अधिकारी से चुनाव हारा हूं। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने 1968 में मुझे जीत का पहला प्रमाण पत्र दिया था। 1968 में चौधरी भजनलाल ने आदमपुर से विधायक का चुनाव लड़ा था और उस समय हिसार में जो रिटर्निंग ऑफिसर थे एसडीएम आईडी स्वामी थे और आईडी स्वामी ने ही उस समय 1968 में चौधरी भजनलाल को जीत का प्रमाण पत्र दिया था। इस प्रकार से ये तीसरी बार ऐसा हुआ है भव्य बिश्नोई के साथ जब वो एक पूर्व अधिकारी से चुनाव हारे हैं। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आईएएस अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह थे। ब्रजेंद्र सिंह ने उस समय 2019 में भव्य बिश्नोई को चुनाव हराया था। आज फिर 2024 की हरियाणा विधानसभा चुनाव में वही घटना तीसरी बार हुई है कि चौधरी भजनलाल परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है एक पूर्व आईएएस अधिकारी से चुनाव हारी है। तो इस प्रकार से कई संयोग और घटनाएं जो परंपरा बन जाती हैं। हरियाणा में अभी तक जितने भी वित्त मंत्री बने हैं वो दोबारा से कोई भी वित्त मंत्री विधानसभा में नहीं पहुंच सका है, नहीं जा सका है, यानी विधानसभा का चुनाव नहीं जीता है। चौधरी भजनलाल सरकार में जब सेठ किशन दास वित्त मंत्री रहे थे तो उस समय सेठ किशन दास चुनाव नहीं जीत, दोबारा से चुनाव नहीं जीत पाए। इसी तरह से ओपी जैन, ओम प्रकाश जैन जो वित्त मंत्री रहे थे हरियाणा में, वो भी दोबारा से चुनाव नहीं जीत पाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में चौधरी संपत सिंह वित्त मंत्री रहे, वो भी दोबारा से विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में चौधरी बीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री रहे, वो भी दोबारा से विधानसभा नहीं पहुंच पाए। और मनोहर लाल के जो पहला जो कार्यकाल था उसमें कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री रहे, कैप्टन अभिमन्यु भी अभी तक दोबारा से विधानसभा नहीं पहुंच पाए। अब की बार भी 2024 में वो नानौंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, वो अब की बार भी चुनाव दूसरी बार हार गए हैं। मनोहर लाल सरकार के दूसरे कार्यकाल में मनोहर लाल वित्त मंत्री थे और मनोहर लाल भी विधानसभा चुनाव में नहीं पहुंचे हैं, यानी मनोहर लाल ने भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि वो करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं और अभी केंद्र में ऊर्जा मंत्री भी हैं, लेकिन दोबारा से विधानसभा अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसी प्रकार से जो नायब सिंह सैनी सरकार में जेपी दलाल वित्त मंत्री बने, तो जेपी दलाल भी दोबारा से विधानसभा में अब की बार नहीं पहुंच पाए, वो भी अपना चुनाव हार गए हैं। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान
जो वित्त मंत्रियों का दोबारा से विधानसभा में न चुना जाना, ये विषय एक चर्चा का विषय रहा। और अब जो मतगणना के बाद भव्य बिश्नोई जी का जो घटना सामने आई है, उससे एक ये भी चर्चा बनी हुई है कि चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी एक पूर्व IAS अधिकारी से चुनाव हारी है।